हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनकी इस वक्त करेंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं। तो जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, और ऑल साइन वाले देख सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो स्पामर्स है वो नंबर देते हैं, मैं किसी को नंबर नहीं देती हूँ, तो आपको मेरा नंबर सोच के किसी का नंबर नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स सी, चल एंजल्स प्लीज हमें बताएं, एंजल्स प्लीज हमें बताएं ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, सजिटेरियस एंड लियो एनर्जी है यहां पर। आपके पार्टनर इस वक्त मुझे ऐसे दिख रही है कि काफी आपको लेके काफी कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे काफी कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन आपसे काफी कुछ बातें बोलना चाहते हैं, काफी कुछ चीजें इनके दिमाग में हैं आपको बताने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत टाइम से आप दोनों ने बहुत दिल से नहीं किया है, तो वो दिल से हार्ट टू हार्ट एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो आपके बीच में प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम है बात करने को लेकर, ठीक है। आप दोनों अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और ये पर्सन भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है, इनको भी बातचीत करके चीजों को जो है एक लेवल तक सही लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर है एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोल्ड। देखो जेमिना एक्वेरियस, ये कार्ड बहुत स्लिपरी है, ऐसे रखता हूं तो देखो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिना एक्वेरियस, लिब्रा। चलो आज जैसे लग रहा है ना, मेरी कार्ड्स में सच में एनर्जीज इतनी स्ट्रांग आ गई है, वो अपने आप मूव कर रहे हैं। बाकी एनर्जीज तो होती है, बट आज ऐसे लग रहा है कि बहुत मूव कर रहे हैं अपने आप। तो यहाँ पर देखो क्या मुझे दिख रही है कि विद दिस फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड, ये जो पर्सन है उनके खुद के बर्ताव से काफी ज्यादा उदास है। उन्होंने खुद आपके साथ काफी ज्यादा आपके ट्रस्ट को तोड़ा है इन्होंने। शायद आपने जिस तरीके से बहुत मुश्किल से आपने इनको पाया था, बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत कुछ किया था आपने इनके लिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और सिर्फ अपना सोच के अपने तरीके से ये डिसीजन ले रहे हैं। उनको नहीं बोलना है कुछ, उनको ये नहीं करना है, उनको वो नहीं करना है, तो हर चीज मैं करके वो निकाल रहे हैं। तो अभी ये करते करते उनको ये एक पॉइंट पे रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत हो गया मैं करना। क्योंकि यहां पर क्या है, ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेट होके होके बहुत स्ट्रेट डिसीशंस लेते लेते एक पॉइंट आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसे आ गई है जहां पर चीजें जो है बहुत ऐसी हो गई कि उदास, ठीक है, उदासी वाली चीज हो गई है। लाइक होता है ना कि जब कर रहे होंगे वो चीज रियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। लाइट का इश्यू सॉल्व हो गया, सॉरी गाइस। तो जब कर रहे होंगे वो चीज का समझ नहीं आता है, ठीक है, कि लाइक ये खराब हो रहा है, हो रहा है, बट एक दिन अचानक से पता चलता है, ओ माय गॉड, ये चीज तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो वही चीज है, आपके जो पार्टनर है उनको पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी उनको बहुत स्ट्रांगली पता चल रहा है कि क्या गलती है, क्या खराबी है, क्या उन्होंने बिल्कुल खत्म खराब क्या कर लिया है। उनके प्रैक्टिकल डिसीशंस की वजह से, वो जो दिमाग से काम ले रहे थे, दिल से नहीं सोच रहे थे, उस चीज के वजह से यहाँ पर जो है कितनी स्ट्रांग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि एक तो सोच तो बहुत रहे हैं और बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है।
इतना मिस कर रहे हैं, इसीलिए ही आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि सब कुछ उनके वजह से खराब हो गया है। और वो अभी फोकस भी कर रहे हैं जो चीज ऑलरेडी आप दोनों के बीच में खराब हुआ है उसके ऊपर, वो फोकस नहीं कर रहे हैं कि चीजों को सही करना है क्या करना है, वो फोकस कर रहे हैं जो ऑलरेडी चीजें खराब हो गई है उस चीज के ऊपर। इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। आप अभी इनको जितनी अच्छी बातें बोलने की कोशिश करो, जितनी प्यारी बातें बोलने की कोशिश करो, उनके दिमाग में एक चीज घुस गई है कि मेरी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हुई है, ठीक है? तो वो उस चीज से उठ नहीं पा रहे, उस चीज से निकल नहीं पा रहे, बाकी आपको मिस बहुत कर रहे हैं, इमोशनल लॉस उनको बड़ा फील हो रहा है। देखो, इनकी एनर्जी अभी बहुत नेगेटिव में चली गई है, इनकी माइंडसेट, इनकी थॉट्स काफी नेगेटिव हो गई है। आपके लिए नेगेटिव नहीं, ये सारे सिचुएशन की वजह से बहुत नेगेटिव हो गए हैं। तो ये ना बहुत दुखी दुखी से रह रहे हैं, अकेले अकेले से रह रहे हैं, स्टक हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। तो ये वाली एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि अभी शायद जब समय सही होगा, जब टाइम सही होगा, तभी मैं जाके आगे कुछ बात करूंगा, बात करूंगी, तभी किसी तरीके से चीजों को सही करूंगा या फिर सही करूंगी। क्योंकि अभी उनको लगता है कि अभी तो वो फेज में चल रहे हैं ना, जो गलत करने वाली फेज है, उस फेज में उनका है। अभी तो सही करने के लिए उनको डर ही लग रहा है, पता नहीं कुछ बैकस्टैब हो जाए उनके साथ। एक बड़ा लेकिन मिस आपको बहुत कर रहे हैं, और आपको वो ये बात बताना चाहते हैं कि काफी तो मैं मिस करता हूँ, और मैं खुद चाहता हूँ हम दोनों के बीच में टाइम सही आ जाए, जिससे हम दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ कप्स। यस, बहुत सारे इमोशंस के कारण यहाँ पर दिख रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो यहाँ पर आपकी पर्सन हो ना हो, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, कंप्लीटनेस, ठीक है? ये वन का कार्ड है, ये टेन का कार्ड है, तो ये सारे कार्ड कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये पर्सन जो है, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ की जो जर्नी है, लाइफ है, वो कंप्लीट हो, ठीक है? कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो आपको फिर से उनके लाइफ में ले, आप उनको फिर से आप उनको अपनी लाइफ में फिर से जगह दो, एक अलग तरीके का एक ट्रस्ट बिल्ड हो। क्योंकि उनको समहाउ पता चल रहा है कि ट्रस्ट खो गया है, आपका भी ट्रस्ट खो गया है उन, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में, आपकी अगर कुछ गलती है तो उनका खोया है थोड़ा बहुत ट्रस्ट, लेकिन अगर आपकी कुछ भी गलती नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको लग रहा है कि आपने उनके ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है? सो ये वो ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में रीअरेंजमेंट हो, चीजें रीस्टार्ट हो, और इस बार चीजें प्यार से स्टार्ट हो, और एक अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप, शादी या फिर रीयूनियन, अच्छा वाला स्ट्रांग बॉन्डिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़े, खत्म तो नहीं, आगे बढ़ते रहे, ठीक है? ये चीज कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में जो भी अच्छी चीज हो रही है, जो भी अचीव कर रहे हैं, ये सारी बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहते थे। शायद आपने इनको बोला होगा कि मेरा ये ड्रीम है, मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, या फिर सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, ऐसा देखना चाहती हूँ, वैसा देखना चाहती हूँ, आपने बोला होगा। तो शायद अभी उनके लाइफ में वो चीज शायद हो रही है, तो वो चाहते हैं वो आपके साथ अपनी लाइफ को उसका सेलिब्रेशन करें, आपको वो चीज बताएं। अगर नहीं हो रही है, ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, वो चीज भी आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल, इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है समहाउ। ये अपनी खुशी हो गया, अपना दुख हो गया, कहीं ना कहीं ये आपके साथ शेयर करना ही चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आप जो हो दुख और खुशी में इनके लिए खड़े रहते हो, सब लोग खड़े नहीं रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलो कुछ कास्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है फाइव ऑफ सोर्ड, जेमिना, एक्वेरियस एंड लिब्रा, टू ऑफ कप्स। क्या बात है, आज सिर्फ कप्स एंड कप्स के कार्ड आ रहे हैं, इमोशंस तो भर भर के इस पर्सन के अंदर आ गई है अचानक से, मुझे दिख रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर ऐसी है कि विद दिस टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड, यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि
कि ये इंसान आपके साथ धीरे धीरे सोल टू सोल कनेक्शन फील करने लगे हैं, ठीक है। जो कनेक्शन बहुत टाइम से आप फील कर रहे थे, जो कनेक्शन को आप समझ पा रहे थे और ये नहीं समझ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस कनेक्शन को जो है धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को धीरे धीरे समझ रहे हैं, उस कनेक्शन को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो दो सोलमेट का कनेक्शन होता है, इनको धीरे धीरे वही कनेक्शन फील होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। विद दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर जो भी उन्होंने आपसे आपके साथ चीटिंग किया था, आपको धोखा दिया था, चालाकी किया था, जो कुछ भी किया था, आपको हर्ट किया था, उनके अंदर जेलसी था, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी एनीथिंग नेगेटिव कुछ भी था, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज से बाहर निकल के खुद को हील करके खुद का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मुझे रिश्ते में जाना है, मुझे प्यार करना है, मैं ये एटीट्यूड और ईगो के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, और वो चीज को समझ रहे हैं और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन हार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप अगर एक्सपेक्टेशन आपका था कि ये बहुत ओपनली बहुत प्यार से बात करें आपके साथ, वो चीज वो करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे, अपने दिल में जो जो चीज है वो बताएंगे। हाँ, बीच में मुझे अभी ऐसी लग रही है, बीच बीच में ऐसा होता है या फिर हो रहा है कि ये पर्सन थोड़े से रूड हो रहे हैं आपके प्रति, ठीक है। रूडनेस भी इनका है थोड़ा बहुत। गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर कैंसर है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर ऐसी चीज मुझे दिख रही है, मूवमेंट ही मूवमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं। प्रेशर क्या है? उनका इनर प्रेशर है। खुद की अंतरात्मा भी कोई चीज होती है ना, खुद बार 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 गलत करोगे तो अंतरात्मा प्रेशर डालने लग जाएगी, भैया गलत कर रहे हो, तुम सही करने में लग जाओ। और दूसरी बात यह है कि इंसान की फीलिंग्स जो है वो भी बदलता है। कल अगर बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे थे, अभी उनकी फीलिंग्स जो है वो बदलना स्टार्ट हो रही है, बदल रहे हैं वो बहुत ज्यादा। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनर प्रेशर है इनका, बट बाहर कोई उनको रोकने की कोशिश करे, कुछ भी करे, ये उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन देखो, कैसे भी करके अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। विद दिस चैरियट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है सही गलत के बीच में डिफरेंस करना अभी धीरे धीरे जान रहे हैं। क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा था, आप जितना भी सही हो वो जितना भी गलत है, वो उस चीज को कभी भी नहीं मानते थे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, या फिर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अभी मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट ये चीज को वो समझ रहे हैं। अपनी जो जितनी भी उनको गलती थी उस चीज को एहसास वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन समहाउ इनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई है, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, उनकी मेंटल ग्रोथ हो गया, वो हुआ है। आपकी पर्सन हाल फिलहाल में कहीं ट्रैवल इन्होंने किया है, ठीक है, ये भी आप जरूर चेक करवाना। चलो और कुछ कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेन ऑफ सोर्ड। हर तकलीफ का अंत तुरंत, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये दो कार्ड आया है, लियो एंड जमना एक्वेरियस लिब्रा की एनर्जी है। सो देखो यहां पर ऐसी चीज है कि आपका रिलेशनशिप को जरूरत है हैंडल करने का, ठीक है। ये रिश्ता को अगर आप सोचोगे कि बहुत टफ रिलेशनशिप है, मैं इस इंसान को पूरी तरीके से छोड़ दूंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, तब तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। ये पर्सन भी अगर सोचेंगे कि रिश्ता बहुत मुश्किल है, मुझे आगे बढ़ना है, तब भी नहीं बनेगा।
तो somehow आप दोनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी. और ये पर्सन ना जो होते हैं ना बहुत ईगो एटीट्यूड में रहते हैं, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ करके तो मेरा जो ईगो है, मेरा जो एटीट्यूड है, इसको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसी ईगो एटीट्यूड की वजह से इतना मेरा रिश्ता खराब हुआ है. तो वो खुद को बदलेंगे और उसके साथ ही साथ जितने भी सच्चाई है वो बाहर निकलेगी. जितना आपकी सच्चाई है बाहर निकलेगा, जितनी गलती है सब बाहर निकलेगा. लाइक सब कुछ ओपन हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, कोई झूठ बोलने वाली चीजें और नहीं होगी. अगर किसी और ने आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट करवाए थे, वो चीज भी बहुत क्लियरली बाहर निकल आएगा और ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पाएंगे और वो सच में आपके सामने आके सरेंडर करेंगे. थर्ड पार्टी की वजह से ये इश्यू हुआ था, मैं नहीं समझ पाया. तो बेसिकली यहाँ पर चीजें क्या होगी, जो दुख है, जो तकलीफ है, उस चीज का मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है. बस यहाँ पर स्ट्रांग रहने की जरूरत है. आई नो स्ट्रांग रहना इजी नहीं होता है, कोई भी इंसान के लिए इजी नहीं होता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आपके पर्सन हो. बट विद टाइम हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है, चीजों को हैंडल करना पड़ता है. ठीक है, आपको हैंडल करना पड़ेगा भैया. ठीक है, चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं. देखो मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप ही हैंडल करो, आप ही समझो, लेकिन एक बात होती है कि कभी कभी करना पड़ता है रिश्ते को बचाने के लिए. मैं अगर सिर्फ आपको बोलूंगी आप ही समझो, ये अनफेयरनेस होगा आपके साथ. आई नो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ समझा है. बट एक रिश्ते में कभी कभार ऐसा करना पड़ता है. कोई अगर इंसान समझ रहा है तो थोड़ा उसको ज्यादा समझना पड़ता है. ठीक है, अगर यहां पर आप में से कोई लियो देख रहे हैं तो मैं बोलूंगी लियो एनर्जी जिनकी है, आप लोगों को लाइक सल्यूट है. काफी स्ट्रांगली आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, सब लोग हैंडल कर रहे हो, बट आज मुझे लियो का दिखा तो मैंने बोला. ठीक है, चलो और कुछ कार्ड देखते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या सोच है. सेपरेशन, सप्रेस्ड हो रहे हैं ये पर्सन, बहुत दब रहे हैं, बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानी इनको अभी हो रही है. ठीक है, जैसे उनको लग रहा है ना कोई राह नहीं है, कोई चाह नहीं है, हर दरवाजा तो मैंने ही बंद कर लिया. ठीक है, आपके तरफ आने का हर दरवाजा इन्होंने खुद बंद कर लिया, खुद परेशानी क्रिएट कर दिया, खुद सब कुछ इशू क्रिएट कर दिया. अब घुटके दबके परेशान होके क्या फायदा. तो अब ये घुट रहे हैं, अब ये जल रहे हैं, अपने डिसीशंस के वजह से टूट रहे हैं. इनको ऐसा जैसे लग रहा है कि लाइक क्या कर दिया क्या मैंने. बट अगर इन्होंने ये किया है, भुगतना भी इनको पड़ेगा. ठीक है, समहाउ बोल सकते हो कि कर्मा, इंस्टेंट कर्मा मिला है एक उनको. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आया है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है यहां पर. देखो विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे डेथ की एनर्जी दिख रही है. ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, उसके साथ ही ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया. देखो एक चीज का ना जब अंत होता है हमेशा पीसफुल नहीं होता है चीजें, कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ देने वाली होती है. जब आपकी परेशानियां खत्म होती है, ठीक है, उससे पहले तकलीफ होती है, उसके बाद परेशानियां खत्म होती है. परेशानी आपको पता कैसे चलता है ये मेरी परेशानी है, क्योंकि आपको तकलीफ होती है, राइट. तो आपका रिश्ते में वही चीज है, आपके रिश्ते में जितनी भी परेशानी थी, जो भी था, वो खत्म हो रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइडेड बाय डिवाइन एनर्जी. ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, लड़ना चाहोगे, घुटना चाहोगे, तकलीफ सहना चाहोगे, या फिर चुपचाप सरेंडर करोगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. और आपके पार्टनर को तो उनका कर्मा मिलेगा,
वो जो भी करे कर्मा के साथ ही लौट के वापस आएंगे, कर्मा मिलेगा, दर्द होगा तभी लौट के आएंगे, उनकी चिंता छोड़ दो, ठीक है। सो आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो है वो चीज चेंज हो रहा है, चेंज को एक्सेप्ट करो। और ये कैसा चेंज है मैं देखूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या, ये जो चेंज आ रहा है स्ट्रांग रिलेशनशिप, उसके बाद क्या, इस पर्सन की तरफ से उसके बाद क्या रहेगा, चीजें कैसी रहेगी, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, सेलिब्रेशन, थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी। वन मोर, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनिंग। ओके ब्यूटिफुल, देखो बस ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चला जाए, क्या होगा इसके बाद मुझे ऐसे दिख रही है मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, समहाउ आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, इस पर्सन की तरफ से एक्शन लेना स्टार्ट होगा, सब कुछ स्टार्ट होगा इसी पर्सन की तरफ से। उसके बाद सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन मतलब रीयूनियन, ठीक है। ये जो रीयूनियन आप दोनों के बीच में होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही होगा, लाइक ये जो सिचुएशन है ये चेंज होगा, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही होगा, तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, तो बस छोड़ दो टाइम के ऊपर चीजें। और आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी ये कोई गुड न्यूज एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, कोई बात एक दूसरे के साथ शेयर करोगे विद दिस कंडीशनिंग। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है हील होगा रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है कि सिर्फ बात हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको कदर करना, उसको संभालना, उसको संभाल के रखना, चीजों को समझना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग वो काम करेगी आपके रिश्ते में, आने वाले वक्त में आपकी पर्सन खुद समझेंगे कि वो क्या गलती कर रहे थे, ठीक है, क्या था उनका गलती, कहाँ पर चूक रहे थे, कौन सी चीज उनको बांध के रख रही थी। तो वो सारी चीजें समझने के बाद कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है चीजों को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपनी तरफ से इनिशिएशन लेंगे और अपने तरफ से ही बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। बस आप इतना समझ जाओ, आपका जो उबड़ खाबड़ रिश्ता है, ठीक है, जो रिश्ता बड़ा आपको स्मूथ नहीं चल रहा है, अब जब रीयूनियन होगा उसके बाद ये रिश्ता स्मूथ चलेगा, क्योंकि उनको भी एक हद तक समझ आ गई होगी कि कहां पर उनकी गलती हुई थी और कैसे हुई थी। तो ये चीज समझ आने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चीजें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं अभी आपके लिए एक दो कार्ड निकालती हूँ, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेज है। इनोसेंस, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि खुद को मत दबाओ, खुद को बहुत तकलीफ लेते हो, बहुत परेशानी लेते हो, बहुत अंदर ही अंदर घुटते हो, सोचते हो, खुद को दबा के रखना कम करो। यूनिवर्स सबसे पहली मैसेज आपको ये देना चाहती है। दूसरी चीज, इनर चाइल्ड आपके अंदर जो है उसको बाहर निकालो, थोड़ा खुश होने की कोशिश करो। एक लाइन में बोलूं तो आपके लिए ये है कि दिल में बातें दबा के ना रख के थोड़ी खुश होने की कोशिश किया करो, वो आपकी लाइफ में बेहतर अच्छी होगी, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय गाइस।